तो यहां पे ये फर्स्ट पॉइंट जरा मार्क करना, ये वाला पॉइंट जस्ट मार्क करके रखना जो भी पॉइंट बोल रहा हूं। फिर ये वाला पार्ट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कांट सी प्लेन। रिजॉइन द मीटिंग, ये पार्ट जरा मार्क करके रखना। ये सब एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं एंड ये आपके कल के एग्जाम में आएगा। कल एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा इस पे बेस्ड। ये पॉइंट जरा मार्क करके रखना सब। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इधर और कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद जस्ट पहले हम लोग मार्किंग रखेंगे, ये लिखना NWIQR आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स, पेज नंबर 5 पे मार्क करके रखना। फिर इसके बाद टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए। इसको हम लोग लिखते कैसे है, ए इक्वल टू बी लिखते हैं। फिर इसके बाद ये मार्क करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर। जस्ट एक सेकेंड है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर्स इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। फिर ये पेज नंबर 7 में इफ ए एंड बी आर टू गिवेन सेट्स, ये जस्ट मार्क करना। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये आपके ऑप्शन में आ सकता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर इसके बाद ये पॉइंट जरा मार्क करना, ये वाला जो बोल रहा वो बस मार्क करना है, फर्स्ट वाला एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बस ये जस्ट लिख कर रहा। ये दो पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। फिर इसके बाद यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू एंड वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल रेक्टेंगल है, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सर पेज नंबर पेज नंबर 10 में है, पेज नंबर 10। ये देखना, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ यू देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू विच आर नॉट इन बी इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, इज रिप्रेजेंटेड बाय बी डैश और बी रेस टू सी। फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज द गिवेन सेट इटसेल्फ, ये समझा तो आपको।
फिर इसके बाद लिखना नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू. सब पॉइंट्स को बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, पहले मार्क करके रखो. इसका लिखना सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ये वाला पॉइंट पेज नंबर 11 पे, इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पेज नंबर 11 में है. इसमें लिखना डिसजॉइंट एलिमेंट, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, सिंग. इसमें लिखना नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन इन सेट ए एंड बी. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स. फिर इसके बाद द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी आर कॉल्ड यूनियन. इसको लिखते कैसे है, ए इंटरसेक्शन बी लिखते, सो ए यूनियन बी लिखते. फिर इसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, एंड जो टेक्स्ट बुक में एमसीक्यू से वो जरा अच्छे से करना, क्योंकि उसमें से ज्यादा आने का चांस, स्पेशली एमसीक्यू हमने ऑलरेडी किया है, कैन गो थ्रू द वीडियो, हर एक का एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है. ये सारे एमसीक्यूज फिर सेकेंड चैप्टर में ये सब जो भी है. कौन सा पेज नंबर है, इट इज पेज नंबर 19 पे है, पेज नंबर 19 पे, तो माफ करके रखना. ये तो ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी किया है. आई होप इसमें किसी को तकलीफ नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में. आपने अगर देखा भी रहेगा इसका वीडियो, टर्मिनेटिंग का मैंने एग्जांपल्स का बताया है, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, स्पेशली ये थर्ड सम जो बोल रहा हूँ, ये थर्ड वाला पार्ट. आई होप ये थर्ड वाला पार्ट आपको सॉल्व करने आता होगा. इसका एक सिंपल तरीका भी आपको एक्सप्लेन किया है, एंड ये आपको डिवीजन भी बताया है. सब पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल तो इस पे ध्यान दें. हाँ जैसन क्या हो गया सर, आप एक बार वो टर्मिनेटिंग सम्स का वो आपने दिखा था ना, 2m फिर 5m, वो दिखा सकते हैं क्या? क्या आपने बोला था ना, वो 2 दिया था फिर 5 दिया था, क्या बोल रहे? फिर इसके बाद ये लिखना एवरी रियल नंबर मे नॉट बी अ रैशनल नंबर, पेज नंबर 22. Every point on a number line is associated with a unique real number. Fifth, a number whose decimal form is non-terminating and non-recurring is irrational. फिर इसके बाद फिर ये पॉइंट जरा मार्क करना,
ये जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसके पार्ट का? तो कौन सा पेज? इट इज पेज नंबर 26. ये मार्क करना. ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन बोलते हैं. एंड ये जो एन इसके ऊपर लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं. ये पता रहना चाहिए. सर्ड जिसका ऑर्डर 2 है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं. सर्ड जिसका ऑर्डर 3 है इसको क्यूबिक बोलते हैं. पेज नंबर 26 के टू सर्ड्स आर सेट टू बी लाइक सर्ड्स इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल एंड रेडिकेंट्स आर इक्वल. मैं लिखना ये वाला रिमेंबर दिस. पेज नंबर 27 का जो रिमेंबर दिस है इसमें लिखना इफ ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स एंड रेडिकेंट आर इक्वल then the surds are similar or like surds. If product of two surds is a rational number, each surd is called the rationalizing factor. ये page number 29 पे है. Product of conjugate pairs of binomial surds is always a rational number. The absolute value of any real number is never negative. This is on page number 33. ये जरा करना. अरे पेज नंबर कौन सा? This is page number कौन सा है ये? 33. Page number 33. Especially ये MCQs जरा कर लेना. तो मैं meeting just end कर रहा हूँ. सब लोग है ना वापस rejoin करना क्योंकि हम लोग को अभी पूरा sets पूरा start से सीखना है. इसलिए वापस same link पे click करना है.